लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। विद्युत संविदा कर्मचारियों के साथ आए दिन मारपीट को लेकर है आक्रोश। सुहाग नगर विद्युत उपकेंद्र पर संविदा कर्मचारी बैठे धरने पर और जमकर की नारेबाजी। एसडीओ द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर संविदा कर्मचारियों में काफी आक्रोश है। फिरोजाबाद के विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा बिजली चोरी रोकने को निरंतर अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में विद्युत विभाग के सुहाग नगर फीडर स्थित संविदा कर्मचारी उपखंड अधिकारी के आदेशों के क्रम में भीमनगर चेकिंग करने पहुंचे और यहां जैसे ही विद्युत तारों के झंपकों को फोटो खींचना उनकी शुरू किया और आरोप है कि वैसे ही भीड़ ने संविदा कर्मी विजय और मनमोहन को घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। संविदा कर्मियों के साथ मारपीट से आक्रोश फैल गया है और संविदा कर्मियों ने एसडीओ सुहाग नगर का दफ्तर घेर कर एसडीओ सुहाग नगर मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं महिलाओं ने डायल 112 को फोन कर छेड़छाड़ की तहरीर दी है। संविदा कर्मियों ने सुहाग नगर कार्यालय पर धरना शुरू कर दिया है। फिरोजाबाद से विपिन राठौर की रिपोर्ट। सुबह हमारे लड़के संविदा कर्मचारी गए थे साइट पर पेट्रोलिंग करने और अनाउंसमेंट करने के लिए, तो उनके साथ पब्लिक ने मारपीट की और मारपीट करने के बाद जैसे तैसे वहां से निकले। एसडीओ महोदय को बताया तो अभी तक एसडीओ महोदय जी ने उसमें ना तो कोई तहरीर थाने में दी है ना कोई एफआईआर लिखाई है। इसी तरीके से हमारे संविदा कर्मचारी भाइयों पर अत्याचार होता जा रहा है। ना तो हमारी पुलिस प्रशासन सुनता है और ना हमारे बिजली विभाग के कोई भी अधिकारी सुनते हैं। इनके लिए हम ये चाहते हैं कि हमारे जो भी संविदा कर्मचारी भाइयों पर अत्याचार हो रहा है उसके लिए पुलिस प्रशासन थोड़ा कठोर शब्द लेके अपना कार्रवाई करने का कष्ट करे। हमारा यही निवेदन है इनसे, विभाग वालों से भी है, हमारा यही निवेदन है अधिकारियों से भी, हमारे इन लोगों पर कार्रवाई हो और इन्हें जेल भेजा जाए। जो अपराधी हैं, अपराधी कसम के, आज तक हमारे जो लाइनमैन अभी कुछ दिन पहले मारपीट हुई है अभी उसे धमकी मिलती है कि तुम्हें हम जान से मार देंगे। अभी 4 दिन पहले क्या नाम था उसका लाइनमैन का, श्रीवास्तव जी को अभी 4 दिन पहले धमकी मिली है कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, अपना मुकदमा वापस ले लो। इस तरीके की घटना होती रहती है आजकल। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार मॉर्निंग रेड और मॉर्निंग पेट्रोलिंग के अभियान चलाने हैं जिसमें कि लोगों को भी जागरूक करना है कि वो बिजली चोरी ना करें, कि कहीं अगर किसी कटिया पड़ी है तो उसको हटवा दिया जाए कि भाई बिजली चोरी ना करें। और जो बॉक्स खुले हैं हमारे जहाँ से लोगों की संभावना है कटिया डालने की, उन बॉक्सों को हम बंद कराएंगे। तो उसके लिए हमने पेट्रोलिंग करवा रहे थे अपने संविदा कर्मचारियों से, तो गली नंबर 3 भीमनगर में सोनपाल करके एक व्यक्ति है, उसकी शायद कटिया पड़ी थी तो वो इनसे अभद्रता करने लगा कि तुम यहीं घूमते रहते हो, क्योंकि एक हफ्ते पहले हम लोगों ने उस समय मास रेड करा के एफआईआर कराई थी उस क्षेत्र में। हो सकता है उसकी भड़ास के लिए उसने इन सबके साथ अभद्रता की और उसके परिवारजनों ने मारपीट कर दी संविदा कर्मचारियों के साथ सुबह। तो ये जैसे तैसे लोग यहाँ से वहाँ से भाग आए। अब एफआईआर की हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उसमें अभी इनका आक्रोश ये है कि हमारे साथियों के साथ पूर्व में भी कई घटनाएं घटित हो चुकी हैं, उन पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है, केवल इनका आक्रोश ये बढ़ रहा है। हमने कहा पहले आप एफआईआर कराओ फिर आगे देखा जाएगा। इन्होंने कहा हम पहले भी हम लोग एफआईआर करा चुके हैं तो उसमें कार्रवाई नहीं हुई है, तो उनको ये भी लग रहा है कि इसमें भी कुछ नहीं होना, एफआईआर होके रह जाएगी। इस बात का आक्रोश है इन लोगों का। अब आप किस तरह की नहीं एफआईआर ही कराएंगे, जिस व्यक्ति ने मारपीट की है हमारे संविदा कर्मचारियों के साथ उसकी एफआईआर कराएंगे। उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है, तो देखिए कोई उच्च अधिकारी आते हैं तो इनसे बात करके समस्या का समाधान निकालेंगे। प्रशासन में भी बात हो गई है, एसओ साहब से भी हो गई है, तो अब देखिए कोई ना कोई समाधान निकलेगा।